नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोविड-19 पिछले 24 घंटे में फिर से टूटा रिकॉर्ड। देश भर में बेतहाशा वृद्धि हो रहे हैं आंकड़े। 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा मामले निकल के आए, मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी अपडेट, पीएम की सुरक्षा में चूक। लंदन से तक जुड़े तार, नहीं बचेंगे सूत्रधार। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरकत में आई केंद्रीय एजेंसी एनआईए। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत चीन के बीच एलएसी पे तनाव बरकरार। 14 दौर की सैन्य वार्ता से पहले भारत ने उठाया बड़ा कदम, कल होगी बड़ी मीटिंग। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पाकिस्तान में लगा करारा झटका। दोस्तों, पाकिस्तान को बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टीटीपी ने किया बम ब्लास्ट, पाकिस्तान की कमर टूट गई है। जी हां, पाकिस्तान सीमा पर तालिबानियों ने जोरदार धमाका किया। अगली अपडेट में आपको बताएंगे, भारत संघ सीमा पर तनाव के बीच चीनी सेना को युद्ध के ऐलान का किया बड़ा ऐलान। चीनी राष्ट्रपति ने युद्ध के लिए तैयारी के अपने सैनिकों को दिए आदेश, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद खुरान अफगानिस्तान में हुए ढेर। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल गया, भारत में कोविड-19 मामलों में जी के साथ बेतहाशा हुई वृद्धि। पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, 1,70,000 के आए हैं मामले। हालात बेहद बेकाबू, मोदी सरकार आज फिर से बुलाई है आपात बैठक। दोस्तों, दरअसल भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमितों के नए मामले में 6.5% की कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 1,68,000 नए कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं और देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 35,03,58,00,000 हो चुकी है। आपको बता दें कि हालत जो है वो बेहद बेकाबू हो चुकी है। पीएम मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी आपात बैठक बुलाने के साथ साथ बड़े ऐलान कर दिए और राज्यों को खुले आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 6.5% की कमी भी देखने को मिली हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट, पीएम की सुरक्षा में चूक कम। लंदन तक जुड़े तार, नहीं बचेंगे सूत्रधार। एनआईए हरकत में आने वाली है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने करीब एक घंटे तक सुनवाई की। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब केंद्र और राज्य दोनों में से किसी की भी टीम जांच नहीं करेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि हालत जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पाकिस्तान में भी जहां एक तरफ हड़कंप, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरीके से जांच के आदेश दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसमें एनआईए से भी जांच कराए जाने की मांग तेज उठ रही है। ऐसे में चन्नी सरकार की मुसीबतें कांग्रेस पार्टी की सरकार की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत और चाइना के बीच एलएसी पे तनाव बरकरार। 14वें दौर की सैन्य वार्ता होने वाली है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने दिए बड़े आदेश, चाइना को लगा झटका। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य तनाव बरकरार है, इसे कम करने को लेकर एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच बातचीत होने वाली है। घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि अगले दौर की सैन्य वार्ता में भारत चाइना के साथ रचनात्मक बातचीत होने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय और चीनी सैन्य कमांडर 12 जनवरी को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के चीनी समकक्ष पर मोल्डो पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले सेना ने एक तरीके से ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी समेत सैनिकों को आदेश दिए गए हैं। आरटीबीपी के जवानों की तैनाती और तेजी के साथ बढ़ी है। जहां एक तरफ चीन की सेना सीमा छोड़कर ठंड की वजह से भाग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों की जो है वो तैनाती तेजी के साथ बढ़ रही है। ये भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट, भारतीय सेनाओं की तैनाती और इसके साथ कल बड़ी बैठक होने वाली है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अफगानिस्तान में हुआ ढेर। मोहम्मद खुरासनी 150 मासूमों की हत्या के जिम्मेदार, टीटीपी कमांडर था दहशतगर्द। दोस्तों, प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का प्रवक्ता और आतंकवादी समूह का सबसे मोस्ट वांटेड खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासनी पाकिस्तान सीमा से लगे अफगानिस्तान के पूर्व नंगरहार प्रांत में मारा गया है। पाकिस्तान के रक्षा सूत्रों ने
सोमवार को ये जानकारी दी है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है और इसमें 2014 में सैन्य स्कूल पर किया गया हमला सबसे विभत्स था। इनमें 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। रक्षा सूत्रों की विस्तृत जानकारी दिए यहाँ बताया गया है कि टीटीपी कमांडर खुरासनी अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मारा गया है। उन्होंने बताया है कि वो पाकिस्तान में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या में शामिल था। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस आतंकवादी जो कि टीटीपी और पाकिस्तान भी इसे आतंकवादी मानता है, इसका खात्मा जो माना जा रहा है कि पाकिस्तान में एक अधिकारी ने कहा है कि हम लोग अफगानिस्तान में सूचना इकट्ठा करने में जुटे हैं। आखिर खुरासनी का कैसे पता लगाया गया और उसे ढेर किया गया, अभी तक ये साफ हो रहा है धीरे धीरे। तो एक तरीके से ये पाकिस्तान की सेना की ही तरफ से की गई कार्रवाई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत संग चीन पर तनाव के बीच चीन की सेना को युद्ध लड़ने के आदेश दे दिए हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने 4 जनवरी 2022 को एक मोबिलाइजेशन ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद सेना के सैनिकों को इकट्ठा करना था। इस तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग एक्टिविटी की नए साल पर औपचारिक शुरुआत हुई। CMC के एक साल के ये पहला ऑर्डर था। इस ऑर्डर में 206 शब्द थे जो कि काफ़ी मन माने थे। आपको बता दें कि इससे पिछले साल दिए गए ऑर्डर में 636 शब्द थे। सेंट्रल थिएटर कमांड के 21वें एविएशन ब्रिगेड के ट्रेनिंग एरिया में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हालत जो है वो खराब कर रहा है चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने स्वयं अपने चीनी सैनिकों को युद्ध लड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमें एक मिनट में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, यानी हम इस तरीके से तैयारी करें कि किसी भी तरीके से कोई भी आपदा आती है तो हमें युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट। ईरान के साथ बातचीत के बाद भी तालिबान की नहीं गली दाल। तेहरान ने कहा अभी नहीं मिलेगी सरकार को मान्यता। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कहा है कि वो पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने वाला है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। राजधानी तेहरान में ईरान और तालिबान के बीच बातचीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीब जाहेद ने कहा है कि तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ रविवार की उच्च स्तरीय वार्ता सकारात्मक थी, लेकिन ईरान अभी भी तालिबान को अधिकारियों के तौर पर मान्यता देने को इच्छुक नजर नहीं आ रहा है। सईद खतीब जादे ने कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति ईरान इस्लामी गणराज्य के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है और अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल की यात्रा इन चिंताओं के ढांचे के भीतर थी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने अपने ईरानी समकक्षों से मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान से गलती सीमा के पास जबरदस्त धमाका। जी हां, दरअसल आपको बता दें 9 बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में सामने आया टीटीपी का हाथ। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान में सोमवार को तालिबान के साथ लगने वाली सीमा के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। इस मामले में 9 बच्चे की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। तालिबान द्वारा नियुक्त गवर्नर के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। गवर्नर कार्यालय के इस बयान में कहा गया है कि धमाका उस वक्त हुआ जब नांगरहान प्रांत में खाना बेचने वाली गाड़ी ने एक पुराने बिना फटे मोर्टार के गोले को टक्कर मार दी थी। अभी इस घटना को लेकर ज़्यादा जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। ये प्रांत तालिबान के प्रतिद्वंदी इस्लामिक स्टेट ग्रुप का मुख्यालय। आपको बता दें कि हालात जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराहट की तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जिससे सिचुएशन की भी ख़राब हो गई है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। दरअसल श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आशंका जताई गई है कि इस साल श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। इसी बीच श्रीलंका में राजनीतिक संकट बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और श्रीलंका में राजनीतिक संकट बढ़ने के संकेत दिखाई दे श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा जो है एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद भी मांग ली है। श्रीलंका की उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में श्रीलंका तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय पीएम मोदी को संयुक्त पत्र लिखा है, जिनमें संविधान में 13वें संशोधन के प्रावधानों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए उनकी मदद मांगी गई है। आपको बता दें कि 30 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच समझौते के तहत श्रीलंका के संविधान में 12A यानी 12वां संशोधन किया गया था और अब श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो श्रीलंका सरकार
सरकार से उन संशोधन को लागू करने के लिए कहे जिसे श्रीलंकन सरकार लागू नहीं कर पा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुकेश अंबानी न्यूयॉर्क में खरीदा 248 कमरों वाला आलीशान होटल, हॉलीवुड की है पसंदीदा जगह। एक बार फिर से कहीं ना कहीं तरीके से भारत का डंका बजाया है। दोस्तों दरअसल एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में विशालकाय लग्जरी होटल खरीदा है जो कि हॉलीवुड का पसंदीदा ठिकाना है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क शहर में मैड्रियन ओरिएंटल को खरीद लिया है और 248 कमरे वाला ये विशालकाय होटल काफ़ी ज़्यादा महंगा और इसे कमरे की कीमत लाखों में है। दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मैड्रियन ओरिएंटल को $98 बिलियन यानी करीब $10 करोड़ यानी करीब 2728 करोड़ रुपये में ये सौदा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड यानी RIAHL के जरिए हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, होटल का मतलब है कि पर डे एक 24 घंटे का 10 लाख का किराया बताया जा रहा है और ये बॉलीवुड की पहली पसंद। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिका में COVID-19 से हालात हुआ बेहद बेकाबू, पिछले 24 घंटे में टूटे रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 13 लाख से ज़्यादा कोरोना मामले। दोस्तों दुनिया भर में COVID-19 हाहाकार मचा रहा है, कोरोना के मामले अमेरिका में भी बेतहाशा वृद्धि हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 13 लाख से ज़्यादा मामले आने के बाद से पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और अमेरिका में पूरी तरीके से लोग कहीं न कहीं तरीके से उनको हॉस्टलों में जगह नहीं मिल रही हैं। हॉस्टल के पूरी तरीके से हालात बिगड़ चुके हैं और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग जगह जगह पे मर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें भारत में भी कोरोना के 1,70,000 पिछले 24 घंटे में जहाँ तक मामले आए, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक और अपडेट, भाजपा प्रत्याशियों के नामों पर आज होगा फैसला, दिल्ली पहुंचे CM योगी समेत कई बड़े पदाधिकारी। दोस्तों दरअसल पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले फेज और 9 जिलों की 55 सीटों दूसरे फेज में मतदान होना है। इन विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को लेकर BJP की केंद्रीय चुनाव समिति मंथन कर रही है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े कई पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। इस बैठक में पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट